दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम का 90 सालों का अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट इतिहास अनगिनत यादगार पलों और सैकड़ों मैचों का गवाह रहा है, जिनमें से बहुत सी यादें हमारे जहन में आज भी मौजूद हैं। लेकिन इतने विशाल और सुरम इतिहास के एक मैच को देखकर जब हर कोई ये कहने लगे कि इस मैच ने क्रिकेट के खेल में इस देश की तकदीर बदल दी, तो आप सोचिए वो टेस्ट मैच कैसा रहा होगा, ऐसा क्या हुआ होगा उन 5 दिनों में जो उससे पहले 70 सालों में नहीं हुआ और उसके बाद भी नहीं हुआ। ऐसा क्या था जो भारतीय क्रिकेट टीम के सैकड़ों खिलाड़ी अपने करियर में नहीं कर पाए, लेकिन 3 खिलाड़ियों ने 5 दिनों में कर दिया। आज के इस एपिसोड में उसी यादगार टेस्ट मैच की बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। 15 अगस्त 1947 के बाद आजाद भारत की पहली क्रिकेट टीम ने लाला अमरनाथ की कप्तानी में अक्टूबर 1947 को 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था। ब्रिस्बेन के मैदान से शुरू हुए सफर में साल 1996 में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के रूप में एक नया अध्याय जोड़ा। सचिन से लेकर धोनी और फिर विराट कोहली, 3 पीढ़ियों से चली आ रही इस राइवलरी का शायद सबसे यादगार और ऐतिहासिक संस्करण 27 फरवरी 2001 को शुरू हुआ था। साल 1969 से ऑस्ट्रेलिया टीम भारत में कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई थी, लेकिन लगातार 15 टेस्ट मैच जीतकर भारत आने वाली स्टीव वॉ की इस अजेय ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए अपने इंतजार को खत्म करने का यह सुनहरा मौका था, क्योंकि भारतीय टीम यह सीरीज अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज अनिल कुंबले की गैर मौजूदगी में खेलने वाली थी। कप्तान सौरव गांगुली की जीत के चलते भारतीय टीम में शामिल होने वाले हरभजन सिंह इस सीरीज में भारतीय टीम के उस स्पिन अटैक को लीड करने वाले थे जिसमें से एक भी गेंदबाज ने 10 से ज्यादा टेस्ट मैच नहीं खेले थे। मैच से 2 दिन पहले 25 फरवरी 2001 को भारत के खिलाफ खेलने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान सर डॉन ब्रैडमैन का निधन हो गया था, जिसके चलते सभी खिलाड़ी मैदान पर ब्लैक बैंड बांधकर उतरे और 1 मिनट के मौन के बाद जब मैच की शुरुआत हुई तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी और 71 ओवरों में सिर्फ 176 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज्यादा 76 रन बनाए और पूरी टीम ने शेन वार्न, मैकग्रैथ और गिलेस्पी के आगे घुटने टेक दिए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया टीम की सलामी जोड़ी स्कोर का पीछा करने उतरी और जिसका डर था वही हुआ। भारत के अनुभवहीन गेंदबाजी लाइनअप को हेडन ने आड़े हाथों लिया और 6ठी विकेट के रूप में 296 के स्कोर पर आउट होने से पहले 18 चौकों की मदद से 119 रन बना लिए थे। 7वीं विकेट के रूप में एडम गिलक्रिस्ट आउट हुए, लेकिन तब तक उन्होंने भी 122 रनों की शानदार पारी खेलकर अपना काम पूरा कर दिया था। पूरी तरह से बेबस नजर आ रही भारतीय गेंदबाजी ने जैसे तैसे ऑस्ट्रेलिया टीम को 349 के स्कोर पर रोक लिया, जिसमें हरभजन सिंह ने 4 विकेट अपने नाम किए थे। भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी में कमबैक करने की आशा लिए मैदान में उतरी, लेकिन अपने पिछले स्कोर में 43 रन की बढ़ोतरी कर 219 पर ऑल आउट हो गई। इस बार भी सचिन के अलावा कोई भी बल्लेबाज मैदान पर नहीं टिक पाया था। ऑस्ट्रेलिया को मैच जीतने के लिए 47 रनों का लक्ष्य मिला, जिसे उन्होंने 7 ओवरों में बिना विकेट खोए हासिल कर लिया था। इस तरह सीरीज का पहला मैच भारत के शर्मनाक हार के साथ 3 दिनों में खत्म हो गया। मैच के बाद लोगों ने जहां सौरव गांगुली की कप्तानी पर सवाल उठाए, तो वहीं राहुल द्रविड़ के खराब प्रदर्शन को देखते हुए पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी यान चैपल ने कहा था, राहुल द्रविड़ भारत के लिए मैच विनिंग पारी कभी नहीं खेल सकते हैं। भारतीय खिलाड़ियों के भविष्य और सिलेक्शन पर उठ रहे इन सवालों के बीच भारत के महानतम गेंदबाज बिशन सिंह बेदी ने इस मुंबई टेस्ट को भारतीय क्रिकेट की मौत करार दे दिया। चारों तरफ से बदनामी, कई सवाल और 30 साल बाद अपनी धरती पर टेस्ट सीरीज हारने का दबाव लिए भारतीय क्रिकेट टीम अगले मैच के लिए कोलकाता पहुंची, जहां हालात और भी बदतर होने वाले थे। टीम के मुख्य तेज गेंदबाज जवाहर श्रीनाथ को चोट के कारण मैच से बाहर होना पड़ा, तो ही राहुल द्रविड़ को तेज बुखार हो गया था। इसके अलावा वीवीएस लक्ष्मण को मैच से 2 दिन पहले प्रैक्टिस के दौरान पीठ में दर्द शुरू हो गया। फिजियो को दिखाने पर पता चला कि उनकी रीढ़ की हड्डी एक तरफ से झुक गई है, नाम मात्र का अतिरिक्त वजन भी उनके लिए खतरनाक हो सकता है। बहरहाल सभी मुश्किल परिस्थितियों के बीच मैच 11 मार्च 2001 को शुरू हुआ। लगातार 16 टेस्ट मैच जीतकर आत्मविश्वास से लबरेज ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान स्टीव वॉ ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। कंगारू टीम के 5 में से 3 बल्लेबाजों ने 50 से अधिक रन बनाए, जिसमें स्टीव वॉ का शतक भी शामिल था। ऑस्ट्रेलिया अपने पुराने रंग में नजर आ रही थी, लेकिन फिर 20 साल के एक युवा गेंदबाज की 3 गेंदों के सामने पूरा बैटिंग लाइनअप देखते ही देखते ढह गया। हरभजन सिंह ने 252 के स्कोर पर पहले रिकी पॉन्टिंग को आउट किया। अगली गेंद पर पिछले मैच के शतक वीर गिलक्रिस्ट शून्य के स्कोर पर पवेलियन की ओर चल दिए। कुछ देर पहले पिछड़ी नजर आ रही भारतीय टीम में अचानक जोश भर गया।
गिलक्रिस्ट के बाद शेन वार्न मैदान पर उतरे, जिनके लिए गांगुली ने अपने 5-6 खिलाड़ियों को पिच के आसपास खड़ा कर दिया और शेन वार्न अपनी पहली गेंद पर रमेश को कैच थमाकर चलते बने। लगभग एक साल बाद भारतीय टीम में वापसी कर रहे हरभजन सिंह भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए थे। एक कप्तान का अपने गेंदबाज पर भरोसा, एक युवा की अथक मेहनत और कुछ कर दिखाने के जुनून ने इस मैच के बाद कुछ ऐसा किया जिसे आम बोलचाल में किस्मत बदल जाना कहते हैं। बहरहाल स्टीव वॉ और गिलेस्पी की साझेदारी ने ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 445 तक पहुँचा दिया था। हरभजन सिंह के शानदार 7 विकेटों ने भारत के ड्रेसिंग रूम में एक उम्मीद जगा दी थी, मगर इतना काफी नहीं था। मैच को जीतने के लिए बल्लेबाजों का प्रदर्शन भी जरूरी था, जो पिछले मैच को देखते हुए मुश्किल लग रहा था। मुंबई टेस्ट में भारतीय टीम एक बार भी 200 रन नहीं बना पाई थी। सचिन के अलावा हर बल्लेबाज अपने फॉर्म के लिए जूझ रहा था। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, पूरी टीम 171 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई, जिसमें लक्ष्मण ने सबसे ज्यादा 59 रन बनाए थे। हार का डर साकार रूप लेने लगा था। कोलकाता के दर्शक धीरे धीरे घर को लौटने लगे थे और ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को तीसरे ही दिन खत्म करने के लिए भारत को फॉलो ऑन का न्योता दे दिया था। शुरुआत एक बार फिर निराशाजनक रही। सदगोपन रमेश और शिव सुंदर दास के आउट होने के बाद पिछली पारी के प्रदर्शन को देखते हुए लक्ष्मण को द्रविड़ की जगह भेजने का फैसला लिया गया, जिसे द्रविड़ ने हमेशा की तरह स्वीकार कर लिया। सचिन और गांगुली की बैटिंग के लिए मैदान में बैठे दर्शकों ने भी उम्मीद और मैदान को छोड़ दिया था। चौथे दिन जब द्रविड़ मैदान पर उतरे तो उनका स्वागत रिकी पॉन्टिंग ने अपने शब्दों में किया, पहले 3 अब 6 और अगले मैच में टीम से बाहर हो जाओगे तुम। अब मैदान पर ऐसे 2 बल्लेबाज थे जो मैच से अलग अपने शारीरिक दर्द से भी जूझ रहे थे। दोनों ने खेलना शुरू किया और समय बीतने के साथ साथ ईडन गार्डन में कुछ ऐसा होने लगा जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। ऑस्ट्रेलियाई टीम के गेंदबाज लाइन लेंथ, स्पीड, सब कुछ जैसे भूल गए थे। उन्हें देखकर ऐसा लगने लगा था जैसे उन्हें विकेट लेने का कोई अनुभव ही नहीं है। 2 घायल बल्लेबाज देखते ही देखते विश्व के सबसे खतरनाक गेंदबाजी लाइनअप के लिए नासूर बन गए। कोलकाता की भीषण गर्मी में दोनों बल्लेबाज असहनीय दर्द और कंगारुओं की स्लजिंग के बीच खेलते जा रहे थे। जब द्रविड़ को क्रैप्स की शिकायत हुई तो लक्ष्मण उन्हें हौसला देते और दिन के आखिरी ओवरों में जब लक्ष्मण को दर्द की शिकायत हुई तो बचे हुए ओवरों की 80% गेंदें द्रविड़ ने खेलकर अपने पार्टनर को आराम करने का मौका दिया। चाय काल तक भारत के लिए हार का डर टल गया था। ईडन गार्डन की हर कुर्सी अब भरने लगी थी। दर्शक से लेकर भारत के ड्रेसिंग रूम में बैठा हर खिलाड़ी बिना कोई हरकत किए अपने सामने एक मैजिक क्रिएट होते देख रहा था। 2 बल्लेबाजों ने पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को घुटनों पर ला दिया था। द्रविड़ ने शतक पूरा होने के बाद अपना बल्ला कमेंट्री बॉक्स की तरफ घुमाया, जहां यान चैपल बैठे हुए थे, जिनका मानना था कि द्रविड़ भारत को मैच नहीं जिता सकते। अपनी पारी के आखिरी छड़ों में द्रविड़ क्रैम्स की वजह से इस हालात में पहुंच गए थे कि उनसे खड़ा होना भी दूभर हो गया था। ऐसे में भारतीय टीम के कोच जॉन राइट ने टीम के फिजियो से कहा, वो हर हालत में द्रविड़ को खेलते हुए देखना चाहते हैं। तुम्हारे पास जो भी दवा है, जैसा भी उपाय है, उसे आजमाओ, लेकिन द्रविड़ रिटायर हर्ट होकर वापस नहीं आने चाहिए। फिजियो के पास हर इंसान की तरह क्रैम्स का एक साइकोलॉजिकल इलाज था और उन्होंने इसे आजमाते हुए द्रविड़ को गोलियां दी और कहा, इनसे तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। हालांकि वो गोलियां सामान्य गोलियां थीं, लेकिन द्रविड़ अपने डॉक्टर की बात मानकर खेलते रहे, ये सोचकर कि दर्द जल्द ही ठीक हो जाएगा। चौथे दिन का खेल खत्म होने पर दोनों बल्लेबाज एक दूसरे के कंधे पर अपना हाथ टिकाए पवेलियन लौटे, जहां उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया। लगभग 9 घंटे 2 बल्लेबाज भारतीय टीम की आखिरी आशा बनकर खेलते रहे और नाबाद वापस आए। लक्ष्मण ने सुनील गावस्कर के 236 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था और भारत की तरफ से टेस्ट मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए थे। 5वें दिन दोनों बल्लेबाज भारत की लीड को आगे बढ़ाने के लिए उतरे, जहां लक्ष्मण 452 गेंदों में 44 चौकों की मदद से 281 रन बनाकर आउट हो गए और 10.5 घंटे बाद यह बेजोड़ साझेदारी खत्म हो गई, जिसके बाद द्रविड़ भी 180 के स्कोर पर रन आउट हो गए। कलाइयों के जादूगर को आउट करने का ऑस्ट्रेलिया के पास उस दिन ये एकमात्र तरीका था। दोनों के पवेलियन पहुंचने पर जहीर खान के तेज 23 रनों की मदद से भारत ने 657 के स्कोर पर पारी घोषित कर दी और ऑस्ट्रेलिया को आखिरी दिन 384 रनों का लक्ष्य मिला। इतना सब कुछ होने के बाद कप्तान सौरव गांगुली को इस मैच में नतीजा चाहिए था और उन्होंने अपने गेंदबाजों को मैच जीतने की कोशिश में लगा दिया। हरभजन सिंह के 6 और सचिन तेंदुलकर के 3 विकेटों ने आखिरी दिन यह मैच भारत की झोली में डाल दिया। ऑस्ट्रेलिया का विजय रथ थम गया था। भारत फॉलो ऑन के बाद जीतने वाली तीसरी टीम बन गई थी और ऑस्ट्रेलिया फॉलो ऑन देकर हारने वाली तीसरी टीम। इस तरह खत्म हुआ वो मुकाबला जिसे स्टीव वॉ ने फाइनल फ्रंटियर का नाम दिया था
और दुनिया जिसे इस सदी का सबसे बड़ा टेस्ट मैच मानती है। अगले मैच को जीतकर भारत ने एक ऐसी सीरीज में जीत हासिल की जिसके तीन मैचों में यह टीम तीन अलग अलग कीपरों के साथ उतरी थी। एक ऐसी सीरीज जिसमें इस टीम की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला दूसरा खिलाड़ी दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर था। एक ऐसी सीरीज जिसने इस टीम को हरभजन सिंह, लक्ष्मण और द्रविड़ जैसे खिलाड़ी दिए। एक ऐसी सीरीज जिसने भारतीय क्रिकेट की मौत को एक सुखद पुनर्जन्म में बदल दिया था। एक ऐसी सीरीज जिसके बाद यह टीम सिर्फ जीतने के लिए खेलने लगी थी। इस तरह एक मैच के पांच दिनों में तीन खिलाड़ियों ने भारतीय क्रिकेट को बदल दिया था। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।